हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यार तुम लोग बढ़िया होगे। तो आज तो हमारी इस न्यू वीडियो को देखें और बड़े होने वाले, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज हम लोग खेल रहे हैं इविल नल 2 और ये बहुत ही हॉरर गेम है भाई। मेरे को भी नहीं पता मैं पार कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आ गया हूँ इसके रूम में और यहाँ पर एक डॉल सी पड़ी है ये, और इसके ये क्या है, वेपन पीस। ओके, और भाई साहब यहाँ पे कुछ और ख़ास चीज़ नहीं है। और ये देखो भाई इसके मुर्गे एकदम, भाई इसके तो सिक्स पैक्स वगैरह भी हैं। बोलो यहाँ पे एकदम मतलब खाते पीते घर के मुर्गे हैं एकदम। ये तो सीक्रेट रास्ता है यार यार। ओ अच्छा, ये वेपन यहाँ पे तैयार होगा जैसे ग्रैनी में हम गन को तैयार करते थे, पार्ट ऑफ अ शॉट गन अलग अलग होती थी। ओके, इसे भी खोलते हैं, इसे भी अच्छा इसका वो नहीं है, लगाना पड़ेगा इसका, इसे खोलते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका कुछ लगाना पड़ेगा, तो हमें इसी वाले रास्ते पे जाना है और हमें इन तीनों रास्तों में से कोई ना कोई रास्ता मतलब कुछ ऐसा वो मिलेगा जो हमें इस वाले मेन रास्ते पे ले जाए, है ना। और ये पूरी शायद बन चुकी है मेरी, ये एग्स चाहिए, एक्स तो ऊपर रखे हैं, बट पहले मैं ये जो तीसरा रास्ता है इसे खोल लेता हूँ और फिर हम देखेंगे भाई आगे क्या करते हैं। तो मैं इधर आ गया हूँ और मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। ओ भाई हम इविल नल के स्कूल में आ गए क्या? हाँ यार, मतलब टॉयलेट में आए हुए हैं हम इधर। यहाँ पे देखो एक और, ये कुछ नहीं है यहाँ पे देखने लायक, मतलब टॉयलेट में क्या ही देखोगे तुम। एक तो यार थोड़ा सा है ना डर भी लग रहा है क्योंकि मैं ये गेम जो है ना रात में खेल रहा हूँ और फट रही है बहुत तगड़ी वाली। इसमें क्या है, सारे चेक करके देखते हैं। बैग रखा है, अच्छा उस निकाल नहीं सकते बैग को। इसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ नहीं मिल रहा यार ढंग का। और कुछ गेट तो खुल ही नहीं रहे। क्लासरूम, हाँ भाई रात को पढ़ाई करने आ गए हम। ये क्या मिला मुझे पता नहीं यार, मैंने पूरी चेक कर ली बट कुछ ढंग का। रुको एक सेकंड, आई थिंक इसके इसी का यूज़ होगा। रुको वहाँ पे नन आ गई। लगता है वो चली गई, चलो देखते हैं भाई। अब ये मुर्गा कहाँ से आ गया? छोड़ मुझको, छोड़ छोड़ छोड़। भगो यार यहाँ से, भगो तेजी में, भगो, डोर नहीं खुल रहा, भगो यार। ये कौन से रूम में आ गए? आई थिंक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह होते होंगे, साइंस लैब में घुस गए हम। और अब तो मैं इसके अंदर भी घुस गया, आई थिंक मेरा पीछा नहीं कर रहा अब कोई। गेट को बंद करते हैं और थोड़ी सी यहाँ की तहकीकात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। कुछ मैंने देखा तो एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा शायद से हमें, है ना। और क्या है इधर, कुछ ढंग का खास तो है नहीं, है ना। अभी ये कहाँ, ये यहाँ पे कैसे आ गया? ओ भाई ये तो अच्छा, मैंने सही टाइम पे देख लिया, जा रहा है। अच्छा है, निकल ले तेजी में भाई, निकल 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 निकल। ऑल राइट, तो वो जा चुका है और जरा पीछा करते हैं उसका, वो किधर जा रहा है। अच्छा तो वो बाहर निकल गया गेट खोल के। बताओ ये मुर्गी भी गेट खोल लेते हैं। सारी डेस्क से चेक करता हूँ अब मैं, क्या पता कि इसमें क्या मिल जाए।
तुम यार सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, वापस क्यों जा रहा हूँ। भाई मैं अपनी स्टिक ढूंढने जा रहा हूँ, जो उसने मेरे से लड़ाई करी थी तो वहाँ पे मतलब स्टिक वहीं पे गिर गई थी और वो क्लासरूम मुझे मिलने लगा। लो, और सेकंड डे में मैं यहाँ पे वो चेक कर रहा था और यहाँ पे आराम से सो रही थी, तो मैंने सोचा इसकी ये भी चेक कर लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ खास ढंग की चीज़ नहीं है। इसमें कुछ कोड लिखा हुआ था और ये एग रखे हुए हैं इनके। आई थिंक मेरे को ये वेपन का यूज़ करना चाहिए, बट वो वेपन काम का नहीं है अभी। पॉइजन एग बनेंगे तब काम के होंगे वो, है ना? सही कह रहा हूँ ना? मैं वापस से इधर आ गया हूँ ताकि भाई मेरे को अपनी स्टिक भाई कैसे भी करके चाहिए, चाहिए तो चाहिए स्टिक से ही भाई, मतलब वो वाला गेट खुलेगा और मुझे लगता है कि उस वाले गेट के बाद ही हमें कुछ अलग जगह या किसी जगह पर पहुँचेंगे हम, और वहीं पर हमारा मेन काम है, वहाँ से हम निकल सकते हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि वही एग्ज़िट है, बट लो लो ये और पीछे पड़ गया। ओ हाँ, यही वाला रूम तो था जहाँ पे हमारी स्टिक पड़ी थी। हाँ देखो वो पड़ी, ये और पीछे पड़ गया यार, इसी के चक्कर में गिरी थी यहीं पे मेरी वो स्टिक। अच्छी खासी मैं लेके चला जाता, अब मुझे पता चला है ना कि उसी से ही काम हो जाता हमारा। अरे हट जा, जल्दी से उठाते हैं इसे और लेके चलते हैं अपना वहाँ पे, लगाएंगे इसको। खोलो गेट। अब यार एक तो ये गेट लो भाई, ये बाहर कब खड़ी हो गई यार, बिल्कुल ही मेरा जीना ख़राब कर दिया। कहाँ है वो स्टिक? इसको उठाते हैं और चलते हैं भाई नीचे। और तुम सोच रहे हो कि भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि भाई अभी है ना रात हो रही है और मैं अकेला गेम प्ले कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, और बंदों की बहुत फरमाइशें आ रही थी कि भाई बनाओ बनाओ बनाओ, तो मतलब उस तरीके से तो मैं नहीं बना पाया इस वीडियो को जैसे मैं सोच रहा था, फिर भी मैं बना दी, कोशिश करी। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसका भी मैंने ध्यान रखा है, क्योंकि तुम लोग लंबी वीडियो देखते ही नहीं हो ना। इधर आ गया हूँ मैं, ये जो मेन गेट खोला था हमने, बट यार यहाँ पर तो कुछ मतलब एग्ज़िट दिख ही नहीं रही। ये दिख रहा है यहाँ पे, अरे मेरे को एग्ज़िट बताओ यार, एग्ज़िट कहाँ से करनी है? रुको, क्रोबार, इससे क्या मैं उसको मार सकता हूँ क्या? कुछ ढंग का काम का सामान मिल ही नहीं रहा है भाई, क्या ही कहें अब। मतलब मैंने बस जब से एक गेट खोला है गन जोड़ी है, और गन के मेरे को अभी तक कुछ पता नहीं वो कैसे यूज़ करना है उस गन का। ओके, ये भी ड्रॉर्स में खाली पड़ी हैं, पूरी ड्रॉर्स खाली पड़ी हैं। और यहाँ पे क्या होगा? ओके, लीवर, और इधर टेलीस्कोप, मतलब जो हाँ वो जो चश्मा मिला था उसका लेंस यहाँ पे लग सकता। ये कहाँ से आ गया? लो इसने भी देख लिया। लगता है वो चली गई है ना? और यार मैं रास्ता भी भूल गया, पता नहीं मैं किधर से आया था, मैं किधर ही जा रहा हूँ। अबे यार ये और पीछे पड़ गया। कहाँ है मेरा क्रोबार? उठाते हैं और चलते हैं अंदर शायद। ये तो मैं इधर आ गया यार, मैं किधर से आया था मुझे सही बताओ? मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से आया था मैं। लो पेल दिया और ये क्या कर रही है? ये क्या अब हमें मार देगी क्या? मतलब यार 3 दिन कम नहीं है इसमें भाई? ग्रैनी मतलब ज़्यादा डेंजरस नहीं है और वो 6 दिन देती है, और इसमें 3 दिन? भाई गलत बात है ये तो। और ये कौन सी कविता सी पढ़ रही है? और देखो कितने राजी हो रहे हैं ये मुर्गों को, देखो कितने खुश हो रहे हैं भाई। वैसे ही बताऊँ डर सा लग रहा है, ये कैसा ऐसा गाना गा रही है? अरे वो जियान चुप हो जा यार, पक्का जियान की छोटी बहन रही होगी, यू नो जियान। यार पता नहीं क्या बोल रही है ये। वो भाई आग लगा दी इसने तो। सो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अब तुम सोच रहे हो कि भाई यार तुमने तो पार ही नहीं कर पाया। भाई मैं पार हाँ नहीं कर पाया, बट क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अगर मैं एक और बार ट्राई करता तो
और अगली वीडियो में मैं पक्का इसको पार करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।